कटनी में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि हुई है, जिसको देखते हुए कटनी जिला प्रशासन ने सुअर पालन स्थलों को एपिसेंटर जोन घोषित कर दिया है। 1 किलोमीटर इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है। बीमार पशुओं के सैंपल लेकर भोपाल की हाई सिक्योरिटी लैब में भेजे गए थे, जिसमें 10 जानवरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि होने के बाद अब कटनी जिला प्रशासन ने सुअर पालन स्थलों को उद्भेद एपिसेंटर जोन घोषित कर दिया है। अब तक इस बीमारी से 85 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। वहीं जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग डोर टू डोर जाकर सुअरों की संख्या काउंट कर रहा है। 30 दिनों के अंदर सुअर के परिवहन संबंधी डेटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। इन्फेक्टेड जोन में सुअर मालिकों और उनके संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुअर के मांस को खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कटनी के 2 वार्डों को इन्फेक्शन जोन घोषित किया गया है। वहीं मारे गए सुअर की उसके वजन के हिसाब से सुअर मालिक को आर्थिक सहायता दी जाने की बात कही गई है। यहाँ पे जो जैसे कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पॉजिटिव आया है, उसके बाद से हमने तत्काल जो है टीम गठित की है। 2 इन्फेक्टेड जोन है, तो दोनों के लिए एक अलग टीम और उसके 1 से 9 किलोमीटर रेडियस में सर्वेलेंस टीम है, वो 2 का गठन हमारे द्वारा किया गया कलेक्टर साहब के हस्ताक्षर से, और वहाँ पर सर्वे कार्य हमारा चल रहा है। बहुत कुछ कंप्लीशन में ही है। अभी हम और उसी के लिए बुलाए थे डॉक्टर साहब भी, वहाँ से सोलंकी साहब को भी बुलाया मैंने, पूरा मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो बीमारी हमारे यहाँ आई है, तो हमारे यहाँ पशु चिकित्सा विभाग की टीम को जैसे जानकारी मिलती है तो उन्होंने सैंपल यहाँ से कलेक्ट किया, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद, ये पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में ऐसा, तो सैंपल कलेक्शन के बाद इसको हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजा जाता है। वहाँ से हमारे को इनका 1 तारीख को बताएगा, 27 तारीख को रिपोर्ट हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ की टीम ने कलेक्शन किया पशु चिकित्सा विभाग की, और इस सैंपल को जिस माध्यम से भेजा जाता भेज के रिपोर्ट 1 तारीख को प्राप्त हुई। उसके बाद फिर जो होता है कार्रवाई, जो माननीय यहाँ के कलेक्टर महोदय होते हैं, क्योंकि ये इस बीमारी में ये बाहर की बीमारी है, ट्रांसबाउंड्री बीमारी थी जो हमें यहाँ पहले नहीं होती थी, इसलिए बड़े अच्छे से इसको कंट्रोल करने के लिए जो नियामक होते हैं वो DM कार्यालय से आदेश उप संचालक माध्यम से जारी किए गए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।